वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। लगाने जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। सानिया चेरिंग क्रॉस को 2 साल बीत गए। लाहौर न्यूज़ का बहादुर सपूतों को सलाम। डीआईजी सैयद अहमद मुबीन शहीद, आज भी दिलों में जिंदा। एसएसपी जाहिद महमूद गोंदल की कुर्बानी भी नाकाबिले फरामोश। 7 शहीद पुलिस अहलकारों को भी खराज अकीदत। सानहा चेरिंग क्रॉस शोहदा, डीआईजी कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन, एसएसपी जाहिद गोंदल की 2री बरसी। कवेलरी ग्राउंड शोहदा कब्रिस्तान में फातह खानी और फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीब का इनेकाद होगा। सीटीओ कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक, शोहदा के अहल खाना और दीगर पुलिस अफसरान तकरीब में शरीक होंगे। तकरीब का बाकायदा आगाज अब से कुछ देर में होगा। पुलिस एहलकार शोहदा कब्रिस्तान में हाई अलर्ट। सानहा साहिवाल सीटीडी की फॉरेंसिक लेबॉरेटरी को धोखा देने की कोशिश। जराए के मुताबिक अहलकारों के जेरे इस्तेमाल असलहा और पुलिस मोबाइल बदल कर दी गई। पुलिस मोबाइल को खड़ी करके गोलियों का निशाना बनाकर फायरिंग का तबादला बताया गया। जीशान की गाड़ी को 1 से 1.5 फुट के फासले से निशाना बनाया गया। जाए वकुआ से 100 के करीब गोलियों के खौल मिले, जबकि फोटोग्राफी टेस्ट का नतीजा भी ना आ सका। सानहा मॉडल टाउन केस की तहकीकात में तेजी, पुलिस अफसरान की तलबी का सिलसिला शुरू। साबिक आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा को 18 फरवरी को तलब कर लिया। एसपी हेडक्वार्टर इकरार हुसैन, एसपी सदर अवैस मलिक, डीएसपी मॉडल टाउन जुल्फकार भट्ट का भी बयान रिकॉर्ड। शहबाज शरीफ की तलबी के लिए जीआईटी का स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखने का फैसला। साबिक वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। साबिक वज़ीर-ए-आला ने आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल्स के मुकदमात में दरख्वास्त जमानत दायर की। जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस मिर्जा वकास पर मुश्तमिल बेंच हाईकोर्ट में समाअत करेगा। हाईकोर्ट ने दोनों केसेस में डीजी नैब से जवाब तलब कर रखा है। शादी हॉल्स को ताले, दूल्हा को लाले पड़ गए। शॉपिंग मुकम्मल, कार्ड बट गए, बारात कहां जाए नई टेंशन। कमर्शियल प्लाजों और इमारतों के बाद अब शादी हॉल्स की बारी। मेट्रोपॉलिटन और एंटी करप्शन की मुश्तरका कार्रवाइयां। शालीमार और अजीज भट्टी टाउन में 24 शादी हॉल सर्वमोहर कर दिए। एलडीए ने भी कमर कस ली। गैर कानूनी मैरिज हॉल्स की फहरिस्तें तैयार। 159 हॉलों को चेक करने का प्लान। शहरियों की दुहाई पर इंतजामिया का 3-3 घंटे शादी हॉल्स खोलने पर गौर। शादी हॉल्स मालिकान को कागजात समेत बुला लिया। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। तब्दीली सरकार का सादगी के मामलात गोल। सूबाई वज़रा के नखरे, सरकारी रिहाइश गाहें भी नापसंद। पुरानी टाइलें, किचन, पुराने वॉशरूम्स इस्तेमाल करने से इनकार। तज़ीनो आराइश का मुतालबा, वज़ीर-ए-आला के हुक्म पर मजीद 2,70,00,000 का बोझ। वज़ीर माल ने तो नया चूल्हा, गीजर और तौलिया लटकाने का स्टैंड भी मांग लिया। सरकारी रिहाइश गाहें खराब हालत में मिली, ये बड़ा स्कैंडल है। फयाज़ुल हसन चौहान ने घरों की तज़ीनो आराइश का मलबा भी साबिका हुकूमत पर डाल दिया। अलहमरा में सांझा पंजाब के अनवान से म्यूजिकल गाला। सूबाई वज़ीर इत्तला'आत और सकाफत फयाज़ुल हसन चौहान की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। भारतीय फनकार वीरेंद्र वीर सिंह और मेघा की शानदार परफॉर्मेंस। आरिफ लोहार के बेटों ने भी तकरीब को 4 चांद लगा दिए। और मारूफ शायर फैज़ अहमद फैज़ की 108वीं सालगिरह। फैज़ अहमद फैज़ गालिब और इकबाल के बाद उर्दू के सबसे अजीम शायर हैं। फैज़ अहमद फैज़ अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफीन तहरीक के फाल रुकन और एक मुमताज़ इश्तराकियत पसंद थे। आज शहर भर में तकरीबात का इनेकाद होगा। फैज़ अहमद फैज़ को उनके खदमात के एतराफ़ में निगार अवार्ड, अम इनाम, निशान इम्तियाज़ जैसे एजाज़ात मिले।